अभी तो इसे मेरे कलेजे की आग ठंडी करनी है। अरे ऐसे कैसे मरेगा ये? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे को आपके दवा इलाज की कोई जरूरत नहीं है। हट जाइए यहाँ से, हट जाइए। देवती क्या कर रही हो तुम? आप इन्हें छोड़ दीजिए। देवती पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हट जाइए। देवती क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो? होश में हो। अरे मैडम, नहीं चाहिए मेरे बेटे को इस शहर का खून। डॉक्टर जी प्लीज, माँ ठीक कह रही है, मैं मरूंगा नहीं। सो ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक और उसे कुछ धुंधला भी दिख रहा था, सो वी डिसाइडेड टू डू अ सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। सर विजय की मदर ने उसे ब्लड चढ़ाने से मना कर दिया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ गई सर। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? सर उसकी मदर बहुत गुस्से में थी और मगर विजय ने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? उसे तो समझना चाहिए था। सर विजय ने खुद नीडल अपने हाथ से निकाली थी। मतलब ये कि विजय ने भी खून चढ़ाने से मना कर दिया? यस सर। तो फिर सीटी स्कैन के लिए राजी कैसे हो गया? डॉक्टर विजय कहाँ है? सर सर वो विंडो। वो पाइप के सहारे नीचे उतर गया। यहां से भागने के लिए उसने ये सब ड्रामा रचा था। ये लड़ाई लड़ने से कौन रोक रहा है तुझे? अगर लड़ाई जीतनी है तो हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। विजय, यहां हमारा सामना सेठी और उनके गुंडों के साथ नहीं है। खुद हमारे डिपार्टमेंट के बिके हुए लोग हमें मारने के लिए शहर के हर नुक्कड़ पर खड़े हैं। सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। सच्चे और ईमानदार लोगों का खून बहुत बह चुका सड़कों पर। मुझे भागना नहीं है, सामना करना हम सबका। अरे सामना करेंगे कैसे हम उनका? उनके हथियारों के आगे सीना कर दें और मारे जाएं? अरे हम क्यों मरें? हमें मारना है। विजय, विजय जोश और उन्माद को हथियार बनाकर तो नहीं लड़ सकते हम इनसे। इनके हथियारों के जवाब में हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हाथों में फौलाद उतर आया है तो हथियार भी हो जाएंगे। Baba!
गोलियां मैं तेरे अंदर भी डाल सकता था, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर मौत के सन्नाटे से पहले का डर देखना चाहता था, समझे? मौत दिखाई दे रही है भोसले, भोसले तूने कभी सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा? नहीं ना, तुम जैसे का भला करना मैंने शुरू कर दिया है। हेलो, हाँ बोल। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। विजय ने भोसले को मार दिया। ये पाक्या को बोल गाड़ी निकालने के लिए, सेठी साहब के बंगले पर जाना है। मारा ही जाना था उसे, भोसले को मारा ही जाना था। जो काम, जो फैसले दिमाग से नहीं जोश से किए जाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। भोसले राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी बढ़त बनाए हुए हैं। वो लोक कल्याण मंच के दद्दाभाई के मुकाबले 75,000 वोटों से आगे हैं। हेलो विजय, पांडे साहब कुछ ऑफिसर्स को लेकर सेठी के बंगले पर गए हैं उसे अरेस्ट करने। कहाँ है रतन सेठी? कहाँ छिपा हुआ है वो? वो बोलो। हेलो, अरे बोलो। वो पनवेल वाले फार्म हाउस में गए हैं। हेलो, पनवेल का फार्म हाउस कहाँ है? वो हाईवे से लगा हुआ, खेड़गांव के आगे रास्ता जाता ना बाई तरफ, उधर। हेलो हेलो, ये विजय का फोन था। तुम्हारी बेवकूफी से उसे फार्म हाउस का पता चल गया है। सॉरी सर। दिमाग खुला रखा करो। धनंजय। यस सर। बॉम्बे पुणे हाईवे पे सब चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो कि उस वैन को रोके। मतगणना के दूसरे चरण में भी जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी 1,25,000 वोटों से आगे हैं। वो चौकड़े लोग बॉम्बे से निकल चुके हैं, इधर आने के लिए उसी चौकी से गुजरना पड़ता है। तुम पक्का बंदोबस्त रखना, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। कुटी गिनकर 6-8 लड़के हथियार लेकर
शहर में नंगा नाचते हैं और फिर नाचते नाचते शहर छोड़ भी देते हैं। हट। और हमारी पुलिस। यस सर, ओके सर, ठीक है सर। आगे नाके पर हमारी वेलकम की पूरी तैयारियां होंगी। हमें हाईवे छोड़ देना चाहिए। चलो। तुम लोग खेड़गांव से होकर निकलो, हम लोग रोड से आते हैं।